नमस्कार डियर स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में आप सभी छात्रों का स्वागत है। आप सभी जितने भी यहाँ पर पीटीटी के स्टूडेंट हैं, आप सभी के लिए आज का वीडियो काफी इम्पोर्टेंट होने वाला है, क्योंकि सबसे पहले तो आप सभी छात्रों को मैं क्लियर करना चाहूंगा कि कल से आपकी जो क्लासेज है वो रेगुलर होने वाली है, यानी कि कल 1 सितंबर है और कल 1 सितंबर से आपकी जो क्लासेज है वो आपकी स्टार्ट होने जा रही है। सबसे पहले आप स्क्रीनशॉट देख सकते हो। अब देखो, जितने भी यहाँ पर पीटीटी या जो बीएड के स्टूडेंट है, आप सभी को मैं क्लियर करना चाहूंगा कि आपने जो भी ऑथोराइज जो मोबाइल नंबर वहां पर लगाया था, आपने जब पीटीटी का फॉर्म भरा था, तो उस पीटीटी के फॉर्म के अनुसार जब आपने मोबाइल नंबर लगाया था, उसी मोबाइल नंबर पर आपको ये मैसेज शो हो रहा होगा, जो कि मैं आपको मतलब कि जो कि आप स्क्रीन पर देख सकते हो। यानी कि जितने भी प्रशिक्षणार्थी है, सभी को सूचित किया जाता है कि 1 सितंबर 2023 से जो आपकी क्लासेज है वो रेगुलर स्टार्ट हो रही है, आज्ञा से प्राचार्य, ठीक है। तो ये आपकी क्लासेज है वो स्टार्ट होने जा रही है। बाकी यहाँ पर जो ये एक तरीके से जो मैसेज हो रहा है वो राजस्थान यूनिवर्सिटी के जितने भी अधीन जो बीएड कॉलेज आते हैं उन सभी छात्रों के लिए यहाँ पर जारी किया गया है। बाकी जैसे कोटा यूनिवर्सिटी हो गई, साथ में सेकाउट यूनिवर्सिटी हो गई और जितनी भी बाकी अदर यूनिवर्सिटी के जो स्टूडेंट है, तो उन सभी के लिए भी जल्द ही अपडेट आ जाएगी। बाकी आपकी सितंबर में ही सभी जो क्लासेज है वो रेगुलर हो जाएगी, जितने भी यहाँ पर बीएड के स्टूडेंट है। और बाकी आपको मैं लगातार अपडेट भी कर रहा हूँ। अभी देखो, आज भी आप सभी छात्रों के लिए जो पीटीटी थर्ड लिस्ट है, साथ में जो आपका अपवार्ड का फोरम है, उससे रिलेटेड कोई अपडेट नहीं आई है, क्योंकि आज आपकी लास्ट डेट थी रिपोर्टिंग करवाने से रिलेटेड। और जो 2 ईयर के स्टूडेंट है उनके लिए भी साइट अपडेट हो चुकी है, क्योंकि वहां पर लास्ट डेट जो कि पहले की थी, जो कि 25 तारीख से पहले की थी, जिसको बढ़ाकर अब 31 अगस्त है, तब तक वहां पर कर दिया गया है, ठीक है। अभी मैंने साइट के ऊपर विजिट किया है, साइट के ऊपर ना तो कोई एक तरीके से नोटिफिकेशन जारी हुआ है, ना ही कोई ऐसा नोटिस जारी हुआ है। बाकी आज सुबह का मैंने ई पेपर भी जारी, मतलब कि आज सुबह का ई पेपर भी मैंने आप सभी छात्रों के लिए चेक किया था, ई पेपर में भी आपकी पीटीटी से रिलेटेड कोई भी अपडेट नहीं है। बाकी आप सभी छात्रों को मैं डोनेशन से रिलेटेड क्लियर कर देता हूँ। देखो, काफी छात्रों के कमेंट भी आते हैं कि सर, जैसे मेरा कॉलेज दूर है तो मैं क्या डोनेशन वगैरह देकर अपना जो बीएड वगैरह है वो कंप्लीट कर सकता हूँ क्या? तो देखिए, यहाँ पर जो राजस्थान में 95% ऐसी कॉलेज है जिनमें पढ़ाई वगैरह नहीं होती, ओनली जो 5% जो कॉलेज रहती है उनमें ही यहाँ पर डोनेशन नहीं लिया जाता। बाकी देखो राजस्थान में 95% जो कॉलेज है उन सभी में एक तरीके से डोनेशन लिया जाता है, बाकी 5% ऐसी कॉलेज है जिनमें डोनेशन वगैरह है वो आपका नहीं लिया जाता, और उन कॉलेज में आपको रेगुलर जाना भी पड़ता है। वहां पर आपकी 70% यानी कि 75% आपकी जो अटेंडेंस है वो भी आपकी वहां पर नेसेसरी होती है। अब देखो, लगातार आप सभी छात्रों को मैं बोलते भी आ रहा हूं, अगर बाय चांस कोई स्टूडेंट डोनेशन देता है तो एक साथ जितना भी पैसा है डोनेशन का, 50,000 है या 60,000 है 2 साल का, वो आपको एक साथ कभी भी नहीं देना है। जितने मिनिमम आपके रुपए हो सकते हैं उतने मिनिमम आपको देने हैं। अब देखो, एक साथ देने का नुकसान क्या होता है, चलिए मैं क्लियर कर देता हूं। काफी बार क्या होता है, एक साथ जब स्टूडेंट यहाँ पर डोनेशन वगैरह दे देता है तो जो टीचर वगैरह रहते हैं वो उसको और किसी फीस के लिए, मतलब कि कुछ भी बना लेंगे, वो उनके ऊपर डिपेंड करता है, क्योंकि वो टीचर है तो कुछ भी बना सकते हैं। आप एक बिगिनर हो, उनके लिए तो एक फ्रेशर स्टूडेंट हो, तो वो आपके लिए काफी कुछ बनाकर आपसे एक्स्ट्रा जो ऐड सकते हैं, एक्स्ट्रा जो मनी है वो आपसे ऐड सकते हैं। तो इसी वजह से मैं आपको बोलता हूं कि आपको टुकड़ों में आपका जो पेमेंट वगैरह है, जितना भी आपका 50-60 हजार रहता है या 30 हजार रहता है, वो आपको टुकड़ों में पैसे वगैरह वो आपको देना है, ठीक है। और आप सभी छात्रों को मैं क्लियर करना चाहूंगा, देखो आपका अपवार्ड स्टार्ट होगा, जो सेकंड लिस्ट के जो स्टूडेंट है वो ऑफ कोर्स अपवार्ड के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अभी यहाँ पर लगातार स्टूडेंट कमेंट कर रहे हैं कि सर, जैसे मेरा फर्स्ट लिस्ट में मुझे कॉलेज मिल गई, और फर्स्ट लिस्ट में मुझे कॉलेज मिलने के बाद में मुझे जो दूसरी कॉलेज मिली है उसमें मैंने एक तरीके से अपने डॉक्यूमेंट्स वगैरह जो भी है वो मैंने वहां पर सबमिट वगैरह करवा दिए, क्या फिर से मैं अपवार्ड के लिए अप्लाई कर सकता हूँ? तो देखो, यहाँ पर ऐसा आप नहीं कर सकते, यानी कि आप बार बार अपवार्ड के लिए अप्लाई नहीं कर सकते। आप फिर बोलोगे कि सर, मैं आगे जाकर फिर से अपवार्ड के लिए मुझे अप्लाई करना है, तो आप ऐसे बार बार अपवार्ड नहीं कर सकते। लास्ट आपको एक बार या दो बार का आपको ऑप्शन मिलता है, 3 बार 4 बार का ऑप्शन आपको कभी भी अपवार्ड का नहीं दिया जाता है। बाकी जो सेकंड लिस्ट के स्टूडेंट है, क्योंकि ऑफकोर्स उनको फर्स्ट बार कॉलेज मिली है, तो फर्स्ट बार कॉलेज मिलने के बाद में उनको पूरा अधिकार है, उनके पास में पूरी ऑथोरिटी है कि वो कॉलेज वगैरह अपनी है वो उसको चेंज करवा सकते हो। देखो, कॉलेज का डिपेंड करता है आपके ऊपर कि आपने कौन से डिस्ट्रिक्ट आपने सेलेक्ट किया है, कौन से कॉलेज आपने सेलेक्ट किया है, क्योंकि अभी मैं ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर भी देखा है मैंने,
वहां पर जो आपकी कॉलेज लिस्ट है वो अभी तक अपडेट नहीं हुई है। देखो मेरी नजर में तो ये जो जीजीटीवी वाले हैं वो काफी लापरवाह बन रहे हैं, इस चीज को लेकर काफी लापरवाह बन रहे हैं। बाकी कंपेयर करें यहाँ पर जेएनयू यानी कि मतलब कि लास्ट ईयर जो आपका जयनारायण व्यास यूनिवर्सिटी ने एक तरीके से पीटीटी का एग्जाम लिया था तो उसमें बिल्कुल क्लियर कर दिया था, यानी जब आपकी फर्स्ट अलॉटमेंट लिस्ट जारी हो गई थी उसी के साथ में वहां पर जो आपकी कॉलेज लिस्ट की जो सूची है उसको भी लिस्ट है उसको भी वहां पर अपडेट कर दिया था, जिससे सभी छात्रों को पता लग गया था कि किस कॉलेज में कितनी सीटें यहां पर उपलब्ध है और कौन सी कैटेगरी में कितनी सीटें यहां पर बची है और कितनी सीटें आपकी भर चुकी है। तो ये सब कुछ जानना स्टूडेंट्स का अधिकार है, मेरी नजर में बिल्कुल अधिकार है ये सब कुछ जानना। बाकी मैं आपको लगातार अपडेट करते आ रहा हूं पीटीटी से रिलेटेड और आगे भी आपको करता रहूंगा। आपके जितने भी कमेंट आते हैं, देखो सिमिलर कमेंट आपके रहते हैं तभी मैं आप सभी छात्रों के लिए वीडियो भी बनाता हूं और वीडियो बनाकर जितना भी मुझसे आप सभी छात्रों को देखो मैं अपना 100% देने की कोशिश करता हूं। बाकी देखो मैं खुद भी इन चीजों के ऊपर एनालिसिस करता हूं, मैं भी काफी कुछ आपके लिए जानने की कोशिश करता हूं। सुबह उठते ही मैं आपके लिए पेपर देखता हूं कि कोई ऐसी खबर हो आप सभी छात्रों के लिए पीटीटी से रिलेटेड जो छूट ना जाए, जो कि आपके लिए इंपोर्टेंट हो और वो छूट ना जाए, तो उसमें मुझे भी थोड़ा बहुत ऐसा रिग्रेट से फील होता है कि यार ये चीज अपन ने स्टूडेंट्स को नहीं बताई। तो इसलिए मैं खुद भी उन चीजों को देखता हूं, मैं खुद भी पढ़ाई करता हूं, पढ़ाई के साथ में आपकी जो एक तरह किसी पेपर वगैरह हो गया या कोई सूचना हो गई जैसे टेलीग्राम पर आ रही है या किसी ई पेपर में आ रही है या साइट के ऊपर कोई नोटिफिकेशन जारी हो रहा है, सब कुछ यहाँ पर मैं आप सभी छात्रों को प्रोवाइड करवाने की कोशिश करता हूँ। बाकी आप सभी छात्रों का अच्छा रेस्पॉन्स भी रहता है, लेकिन आप सभी छात्र चैनल को सब्सक्राइब बहुत ज्यादा कम करते हो, तो चैनल को मैं बार बार बोलता हूँ। देखो कोई ऐसा रेगुलर स्टूडेंट है, जैसे कॉफी स्टूडेंट है फर्स्ट बार आते हैं, फर्स्ट बार में अगर आप नहीं करना चाहते हो तो कोई दिक्कत नहीं, अगर आपने मेरे वीडियोज एक से दो बार आपने देख लिए हैं, अगर एक से दो बार देख लिए तो आपको पता भी है कि यहां पर जो भी इंफॉर्मेशन आपको दी जाती है वो बिल्कुल ऑथेंटिक दी जाती है। बाकी देखो थंबनेल का मैं आपको क्लियर भी कर देता हूं, काफी छात्रों को मन में डाउट भी रहता है, थंबनेल हमेशा अट्रैक्टिव बनाया जाता है, आपको जो वीडियो में जो इंफॉर्मेशन मिलती है वो आपको बिल्कुल ऑथेंटिक मिलती है, ठीक है, हमेशा से यही चीजें मैं आपको बोलते आ रहा हूं, ठीक है। अपवार्ड का मैंने क्लियर कर दिया, आपकी जो थर्ड लिस्ट है थर्ड लिस्ट का मैं क्लियर कर देता हूं, आपकी थर्ड लिस्ट भी जारी होगी, फोर्थ लिस्ट भी आपकी जारी होगी, फिफ्थ लिस्ट भी आपकी जारी होगी और बाय चांस आपकी जो सिक्स्थ लिस्ट है वो भी आपकी जारी हो सकती है अगर आपकी सीटें बचेगी। क्योंकि देखो फर्स्ट लिस्ट के बाद में मैंने आपको क्लियर भी किया था कि लगभग 18 से 19 हजार सीटें आपकी जो पीटीटी टू ईयर के स्टूडेंट है उन सभी के लिए बची थी, क्योंकि 1,07,000 के अप्रोक्स आपकी सीटें थी जिनमें 88,000 स्टूडेंट्स को फर्स्ट अलॉटमेंट में एक तरीके से कॉलेज अलॉट हो गया था। अब देखो 88,000 में भी काफी स्टूडेंट उन्होंने एडमिशन नहीं करवाया होगा, क्योंकि देखो पीटीटी लेट स्टार्ट होने की वजह से वो किसी दूसरे फील्ड में गए होंगे, जैसे कोई बीए कर रहा होगा, कोई बीएससी कर रहा होगा, अगर किसी का गवर्नमेंट कॉलेज में आ गया तो यहां पर वो पीटीटी वगैरह क्यों करेगा, तो ये सब कुछ प्रोसेस रहता है। बाकी किसी की फाइनेंशियल कंडीशन वीक होती है, फाइनेंशियल कंडीशन वीक होने की वजह से भी वो अपनी जो फीस है 22,000 रुपए वो सबमिट करवाने में असमर्थ होता है, तो इन चीजों से रिलेटेड भी आपकी सीटें वगैरह खाली रह जाती है। इवन जो आर्थिक जिनकी फाइनेंशियल कंडीशन थोड़ी वीक रहती है तो वो स्टूडेंट चाहते हैं देखो इधर उधर से जितने भी पैसे कर पाते हैं वो कर लेते हैं, बाकी मैं तो चाहता हूं कि इन स्टूडेंट्स को ज्यादा प्रायोरिटी मिले। बाकी लगातार आपको पीटीटी से रिलेटेड इस चैनल के माध्यम से आपको अपडेट मिलती रहेगी, इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर लेना। आज के